जैसे कि आप देख रहे हैं चौधरी नंद प्रताप कला क्लब का आज हम अपने डेरे की सैर करवाने के लिए आए हुए हैं और आज हम अपने खुद के डेरे में आए हैं और आज हम सारे डेरे में इस वक्त सड़क पर खड़े हैं। तो इस वक्त हम डेरे आए हुए हैं, देख सकते हैं आज हम अपने सारे डेरे के अंदर जा रहे हैं। इस वक्त जमीन को पानी लगा हुआ है ना, तो थोड़ी थोड़ी सी और ये हमारे जामुन का दरख्त है। जैसे कि देख रहे हैं गर्मियों के अंदर ये जाम नहीं होता, यहाँ आम होता है। तो देखते हैं इस वक्त ये पानी नजर आ रहा होगा आपको, तो मेरे कपड़े भी सारे अपने जमीन के अंदर सैर कर रहे हैं और आपको भी करा रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कर दें और हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आप तक भेजें। ये देख सकते हैं ये छोटा बाग लगा हुआ है और ये बड़ा बाग है, इसलिए क्योंकि ये हमारा छोटा बाग जो सा है ये डबल हुआ है, क्योंकि इसके अंदर दो दो बूटे लगे हुए हैं। तो गाइस ये हमारे मौसमियों का बूटा है, गाइस इस वक्त हम सड़क पर पहुंच चुके हैं और साथ में ये देख सकते हैं ये रेड़ी भी जा रही है और हम सड़क के ऊपर आ चुके हैं और ये बहुत ही सारी की सैर कर ली है। अब हम जाएंगे अगले बाग के अंदर जिसके अंदर आम का दरख्त है और कौन सा अच्छा बाग है उस वक्त उसमें हम जाएंगे अभी अभी। इसके लिए थोड़ी सी हम ब्रेक करते हैं आगे जाने के। तो गाइस हम दूसरे बाग के अंदर आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि साफ दूर से तो खूबसूरत नज़र आ रहा है, आगे जाके देखते हैं इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। लगा तो इसके अंदर भी पानी हुआ है लेकिन हम चले जाते हैं ना। गाइस जो मैं कह रहा था कि आम वाले बाग में हमने जाना है, वो हम आम वाले बाग में आ चुके हैं। तो इस वक्त हम आम के दरख्त के पास पहुंचने वाले हैं और आपको भी दिखाने लगे हैं। तो ये हम आम के पास पहुंच चुके हैं और ये आपको नज़र आ रहे होंगे ऊपर आम लगे हुए हैं और ये हमारा बाग किन्नू का बाग है और वो आम का दरख्त था। तो हमारे इस सरगोधा में तो बस किन्नू का बाग होता है और किसी बाग का होता नहीं है। तो हमने किन्नू के बाग की सैर करवानी होती है और ये किन्नू का फल जो है ये नवंबर दिसंबर में ही जाके
प्यार होता है। तो ये आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल छोटे से छोटे मॉडल हैं ये देख सकते हैं, छोटे छोटे मॉडल लगे हुए हैं। ये जाके नवंबर दिसंबर में जाके तैयार होंगे तो जैसे के लिए हम आज इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि छोटा सा किन्नू का मॉडल कैसे बड़ा होकर तैयार होता है। आपको दिखाने लगे हैं ये हमारे अमृतों का दरख्त है, ये भी हमारी ना एक खाली के ऊपर लगा हुआ था ये दरख्त है, मगर अमरूद भी इसके ऊपर ना छोटे छोटे से लगे हुए हैं। ओहो ये देख सकते हैं। तो आज हम आपको सारे डेरे का इंट्रोडक्शन करवाएंगे। पानी ज़्यादा आ गया इसकी वजह से ये ख़त्म हो चुका है, ये देख सकते हैं ना इसके अंदर पानी ज़्यादा लग चुका है। और ये हमारे डेरे की पक्का खाल है, हमने अपनी ज़मीन के अंदर जो है ना पक्का खाल बनाया हुआ है, क्योंकि ना तो इसकी सफाई की जाती है ना इस पर मुश्किल होती है कोई, हमने आना होता है और पानी भी आसानी लग जाता है इसके साथ। ये देख सकते हैं सात साल खाल है, सात साल कौन सा डेर है। तो इस वक्त हम खाल के ऊपर जा रहे हैं और आगे हम दूसरी सतह पे जाके निकलेंगे जहाँ पे बीस चक खत्म हो जाता है और जाके बीस चक की सतह शुरू हो जाती है। तो इस वक्त एक मिनट के लिए ब्रेक करते हैं। तो गाइस जैसे के लिए आप देख सकते हैं मैं इस वक्त डेरे में हूँ और साथ में एक ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रैक्टर जोन से 480 ट्रैक्टर है फीएट और उसके फीडबैक में रूटावेटर है, चार्ट वाला रूटावेटर और वो भी साथ के अंदर रूटावेटर भी चल रहा है रूटावेटर जोन से। और मगर हमें क्या, हमने तो अपना ब्लॉग बनवाना है। और आपको एक चीज़ बस और रह गया जो हमने आपको बतानी है, वो है जो उनसे किसानों की आसान होती है जब नहर में पानी ना हो तो उसकी मदद से हम अपने खेतों को पानी लगा सकते हैं। और वो चीज़ ये है कि एक जो उनसे ट्यूबवेल होता है जिसको पानी के दूसरी तरह का ट्यूबवेल कहा जाता है, और उस ट्यूबवेल पर हम पहुँच चुके हैं। ये हमारा एक छोटा सा बाग है, तो एक खाल जो सा बड़ा खैर खाल जिसके अंदर से सारे खेतों को आल खेतों को पानी लगता है वो जा रहा है। और इस वक्त हम ट्यूबवेल के ऊपर पहुंच चुके हैं, ये हमारा ट्यूबवेल है और ये भी बहुत गंदा हो चुका है, देख सकते हैं आप आगे से। और इसलिए हमारे पास ये ट्यूबवेल है और मैं आपको दिखाने लगा हूँ जो सा बड़ा खाल था और दूसरी सड़क थी वो ये है, इसलिए क्योंकि इस तरफ क्यों से ये दूसरी सड़क आ चुकी है, देख सकते हैं ये 20 चक का बॉग है, ये सारा जो है ये 20 का बॉग है और ये दूसरी सड़क है। और ये हमारे जो सी डेरे को पानी जाता है ये उस तरह का खाल है, ये इस तरफ हमारे खेतों को पानी लगता है और इस तरफ आगे जाता है पानी और इधर से आता है। तो गाइस हमारे मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें शेयर कर दें, इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और हमारी आज की ये न्यू पोस्टिंग है, इसलिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, बाय।